बाप। अरे भाई आपके जीवन संकट में हम देख नहीं रहे हैं, अपने घर में ही बंधक बन गए हैं आप। बाढ़ में जब कोई फंसता है तो किस तरह का संकट का सामना करना पड़ता है, इसकी एक भयावह तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। अभी मैं राजेंद्र नगर इलाके में हूं, ये धनुष पुल है, धनुष पुल रेस्क्यू पॉइंट है, यहां से ही एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य चला रही है। और इस धनुष पुल के किनारे बने घरों के लोगों से हम बात करेंगे, उनको दिखाएंगे कि कैसे अपने ही घर में बंधक बन गए हैं, कैसे इनका अपना घर इनके लिए जेल बन गया है। आप देखिए तस्वीर, ये परिवार है, 8 दिनों से इस संकट में घिरा हुआ है, घर में ही बंधक बन गया है, इसका घर इनके लिए जेल बन गया है। आप देखिए क्यों बना है, नीचे की तस्वीर दिखाएं मनोज शुक्ला जी, देखिए पानी 2.5 फीट अभी पानी है, पानी 4 फीट तक पहुंच गया था, 4.5 फीट तक गया था, अब पानी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी राहत के लिए काफी नहीं है क्योंकि घर में पानी तो घुसा हुआ है। आप लोग सुने होंगे कि फला आदमी जेल में है, कैद है, आपको क्या लग रहा है कि अब घर में ही कैद हो गए हैं? बिल्कुल वही स्थिति है, घर में कैद हो गए और पिछले 3-4 दिनों से रिलीफ बंद हो गया, केवल पानी दे रहे हैं, वो भी हल्ला करने पर। अच्छा, रिलीफ भी बंद हो गया? रिलीफ बंद हो गया। क्या कह रहे हैं लोग? लोग कह रहे हैं रिलीफ बंद हो चुका है, कोई मतलब सहायता वाला जो रिलीफ आ रहा था वो बंद हो चुका है। और पानी लगता है यहाँ पर 500-600 लोग की ड्यूटी लगी हुई है, उन लोगों के लिए शायद पानी आ रहा होगा, तो उसमें से हम लोग लड़ झगड़ के पानी ले रहे हैं। तो आप लोग भूखे हैं क्या घर में? नहीं, भूखे नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ लोग परिवार वाले आते हैं शाम में तो वो मदद कर दे रहे हैं सर। तो कैसे आप तक मदद पहुंचती है? एक झोला रखे हुए हैं, एक्सेल सिस्टम से उसको ऐसे ऐसे करके निकालते हैं। अच्छा, फेंकते हैं उसको, बांधा जाता है, इधर से उधर आता है वो, जब सामान हम लोग लेते हैं तो लोगों की भीड़ लगती है देखने के लिए। देखिए वो दादी माँ है, पूरा परिवार है, देखिए वो खड़ी हैं, वो कुछ सुनाना चाहती हैं लेकिन हमारे पास नहीं पहुंच सकती हैं, हमसे बहुत दूर हैं और वो हम उनसे बहुत दूर हैं क्योंकि उनका घर पानी में डूबा हुआ है, हम भी नहीं जा सकते, वो भी हमारे पास नहीं आ सकते। तो 10-15 फीट की दूरी से हम बात कर रहे हैं घर के लोगों से। आप बताइए, आपको वाकई ईमानदारी से बताइएगा, क्या लगता है कि आप जेल में बंद हैं? बिल्कुल भैया, वही एकदम उसी समान, उसी के समान है। क्या लगता है? उससे कम नहीं है, एक मतलब कैद होकर के रह गए हैं। तो राहत सामग्री मिल रही थी तो कितना आराम था उस समय? आराम था भैया, राहत सामग्री में आराम था। और एनडीआरएफ की भूमिका बहुत सराहनीय भूमिका रही, ये लोग बड़ी ईमानदारी से बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी, वो लोग परेशान कर रहे थे, उन लोगों को लग रहा था कि हम लोग स्टॉक कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि हम लोग एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता में से हैं, ठीक है। और यहाँ से सामान लेते हैं भैया, 8 घरों को संभाल रहे हैं, 8 घरों को पानी देते हैं, सामान पहुंचाते हैं आगे पीछे। तो देखिए ये इनका घर पुल से सटा हुआ है और इनके घर से कई घर सटे हुए हैं, तो ये झोला के जरिए रस्सी बांधकर राहत सामग्री लेते थे एनडीआरएफ से और आसपास के लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन उसमें भी पुलिस वालों को लगने लगा कि भाई ये तो स्टॉक कर रहे हैं, ये कमाई का जरिया बना चुके हैं बाढ़ राहत सामग्री को, तो उन्होंने हंगामा शुरू किया। अब तो राहत बचाव कार्य चल रहा है लेकिन राहत सामग्री का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो बाढ़ में अगर आप घिरे हो, संकट में हो, घर आपके लिए जेल बन गई हो, आप निकल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, वैसे में एक बिस्किट का डिब्बा भी मिल जाता है, एक ब्रेड का टुकड़ा भी मिल जाता है तो लगता है कि जीवन मिल गया, लेकिन अब तो वो भी नहीं मिल रहा है इनको। सवाल ये उठता है कि क्या सरकार का खजाना खाली हो गया है इन लोगों के लिए जो अभी भी घरों में कैद हैं? क्या बाबा, क्या दिक्कत हो रहा? कोई दिक्कत नहीं, अभी निकल के आ रहे हैं, अब खाने को कुछ भी नहीं, अब जा रहे हैं, अब घर क्या मिलेगा पता नहीं। कौन दिन से भूखे हैं? हो गया यार, एक सप्ताह हो गया, अब मिला है एक ब्रेड मिल रहा है, तो चूड़ा मिल रहा है, बस ऐसे मिल रहा है, वो क्या खाएगा? पर्याप्त मिल रहा है? मिला क्या, मिला खत्म, एक दिन मिल गया, हो गया खत्म, खत्म क्या कीजिएगा। तो बहुत कुछ होती है चीज़ें सरकार की जो दिखाने के लिए होती हैं, आप कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक होती हैं, उससे राहत कम मिलता है, तस्वीर बड़ी बनती है। और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे एक घर नहीं, यहाँ के लाखों घर इसी तरह से पानी में डूबे हुए हैं और लाखों की आबादी इसी तरह से अपने ही घर में कैद हो गई है। तो ये है राहत बचाव कार्य का सच। ये तस्वीर आपको अच्छी तो लगेगी नहीं, बहुत
पीड़ा देगी, लेकिन इस तस्वीर को शेयर करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही पीड़ा सरकार को मजबूर करेगी सोचने के लिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 1975 से लेकर के 2019 तक बहुत लाखों की क्षति का नुकसान झेले, इस बार मुआवजा दिलवाइए भैया, सरकार से मुआवजा दिलवाइए। कितना ऐसे झेलते रहेंगे और बार बार मजबूत होकर के खड़ा होते रहेंगे और सामान खरीदते रहेंगे, मजबूत बनते रहेंगे, ऐसे तो जिंदगी नहीं चलेगा ना भैया। ये सारी सरकारी व्यवस्था का ये मतलब रिजल्ट है। तो इनकी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, आपने सुन लिया है इनकी क्या मांग है कि अब तो बाढ़ में डूबे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए। और जिस तरह से राहत सामग्री का बंटवारा बंद कर दिया गया है वो फिर से चालू होना चाहिए, क्योंकि अभी भी संकट में लोग फंसे हुए हैं, अभी भी घरों में कैद हैं और उन तक राहत सामग्री पहुँचनी चाहिए। जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टवेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472982122, 9472982222। सॉफ्टवेयर ऐप सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।